एकाएक जो ये परिस्थितियां आई हैं, इन परिस्थितियों ने हमको ऑनलाइन में जाने के लिए मजबूर किया है। तो स्वाभाविक ही है कि बच्चा खाली न रहे और जो परिस्थितियां हैं उसको वो पाठ्यक्रम को देख सके। एक सप्ताह 10-15 दिन तो ठीक होता है छुट्टी, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो बच्चा कैसे तनाव में जाता है और अभिभावक कितना परेशान रहता है। इसलिए बात सही है कि किसी को पता नहीं था कि ऐसे संकट की घड़ी आएगी और छात्र मेरा घर पर रहेगा, बाहर भी नहीं निकल सकता और उसकी भी संख्या कम नहीं। यदि इस देश में देखें तो 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1,08,00,000 से अधिक अध्यापक हैं और मुझे लगता है कि लगभग 33.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। जो देखेंगे आप तो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं। तो इन इतने बड़े तंत्र को एक साथ ऐसे संकट में आना तो स्वाभाविक ही है कि कम नहीं, बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, है और अभी वो बरकरार है। लेकिन हमने उसी चुनौती में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में जब उसका मुकाबला ठीक से मजबूती के साथ होता है तो ये चुनौतियाँ अवसर में तब्दील भी होती हैं, और हमने इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश की है। हमने ऑनलाइन पर बच्चों को लिया है और जहाँ तक भी संभव हो सकता है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अभी तो जो परिस्थितियाँ हैं, कब हम स्कूल खोल पाएंगे? जब भी हम स्कूल खोलेंगे तो हम गृह मंत्रालय से परामर्श करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करेंगे। तो जब जैसी परिस्थितियाँ आएंगी तभी हम स्कूलों को खोल पाएंगे। निशंक जी, इससे जुड़ा एक सवाल मेरा है, मैं वो जानना चाहता था कि ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू तो हो गई, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जिसका एक बोझ अलग अलग से पड़ रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से सचमुच जो शिक्षा की जो मंशा है वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। आपका बीच में थोड़ा सा कट गया था, लेकिन मुझे लगता है आपकी मंशा जो आपने कहा कि क्या ऑनलाइन शिक्षा, आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई हो तो रही है, लेकिन इससे क्या सरकार को लगता है कि जो शिक्षा की मंशा है, जो शिक्षा का ध्येय है, वो सचमुच में पूरा हो पा रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ एक कई बार बोझ जैसी बनती जा रही है पढ़ाई। आशुतोष जी, इन परिस्थितियों में क्या कर सकते थे आप? ये तो बात का, चर्चा का, परिचर्चा का विषय बात का हो सकता है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा। आपके पास तो अभी विकल्प ही नहीं है। और मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरीके से अचानक ये परिस्थितियां आई और 33 करोड़ छात्र छात्र अपने घर में बंद हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या ऐसा भी हो जाएगा कि छात्र घर पर रह करके पढ़ना शुरू कर देगा। ये परिस्थितियां हैं हमारी, लेकिन हमने फिर भी उस छात्र को अभी भटकने नहीं दिया। अभिभावक और अध्यापक, इन दोनों के मार्गदर्शन में छात्र ने पढ़ना शुरू किया है। यथासंभव कोशिश की हमने कि हर छात्र तक पहुंचेंगे। मुझे मालूम है कि अभी हमारे वो प्रयास जारी है, लेकिन हमने ये ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है। ऑनलाइन की भी ज़रूरत है, ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं, आज भी, आज नहीं तो कल भी ऑनलाइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी हम दूरस्थ शिक्षा के दिशा में काम कर रहे हैं। और जो लोग बहुत दूरस्थ स्थिति में हैं और ऐसी स्थिति में है कि वो रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसे चाहे वो
आपकी स्कूली शिक्षा में हो तो NIOS के माध्यम से कर रहे हैं, और चाहे उच्च शिक्षा में हो इग्नू के माध्यम से कर रहे हैं। इग्नू इस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है हमारा, जिसमें 40 लाख छात्र जुड़े हुए हैं, और ये NIOS भी स्कूली शिक्षा में ये भी दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है। तो उस दिशा में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति सामान्य आएगी तब उस ऑनलाइन का भी कितना उपयोग करना है और रेगुलर क्लासेस का किस सीमा तक उपयोग होना है, दोनों में कैसे सामंजस्य बैठेगा, ये बात का विषय है। लेकिन अभी तो हमारे सामने चुनौती है कि हमको ऑनलाइन शिक्षा देनी है। जी। अगला सवाल हम चाहेंगे हमारे बिहार के एडिटर हैं आलोक मिश्रा जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार आलोक जी। सर मेरा आज की करंट सिचुएशन पे एक क्वेश्चन है, जो आज ही बोर्ड में, आज की ICSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड को लेकर के मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, और स्टूडेंट्स के सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि एक या तो वो प्री बोर्ड के आधार पर उसका मूल्यांकन है या वो परीक्षा देना चाहता है। दो ऑप्शंस दिए गए हैं सर, इसमें दो ऑप्शंस के साथ में कंफ्यूजन भी है कि प्री बोर्ड के आधार पर मार्किंग कैसे होगी, इसका भी कुछ अगर थोड़ा सा अगर हिंट्स दिया गया होता तो स्टूडेंट्स को निर्णय लेने में सहूलियत होती, क्योंकि प्री बोर्ड में के नंबर्स जो भी होते हैं बड़ी हार्ड मार्किंग होती है और बोर्ड के नंबर ज़्यादा आते हैं, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कोर्ट को दिया है और जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा मेरी उस बोर्ड से अभी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जो मंशा वो ये कि क्या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दो ही आधार, या कि वो परीक्षा दे या परीक्षा नहीं दे सकने की स्थिति है तो आंतरिक मूल्यांकन है, तीसरा तो कोई विषय नहीं बचता। तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यदि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो परीक्षा से पहले होती है स्थानीय आधार पर स्कूल अपनी प्री बोर्ड की तैयारी करते हैं, बोर्ड की तैयारी कराते हैं, तो उसको काफ़ी कस करके अंकों को देते हैं ताकि वो फिर और अच्छी मेहनत करे और वो अच्छे नंबर ला सके, लेकिन उसमें भी उस बच्चे का तो मूल्यांकन, जो और अच्छी मेहनत कर रहा होगा उसका तो चाहे बहुत टाइट तरीके से नंबर देते हैं, लेकिन जो अच्छा होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो उससे कम होगा उसको कम होगा, उससे कम होगा तो कम होगा। तो उन्होंने जो ये दो विकल्प दिए हैं कि या कि परीक्षा का विकल्प दिया है और या कि उसी के आधार पर जो मूल्यांकन है उसके आधार पर करें, और तीसरा तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल, और भी सुझाव भी दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो कई विकल्प निकलते हैं, लेकिन विकल्प सशक्त ही होने चाहिए, और ये दो विकल्प उन्होंने कोर्ट को दिए हैं। सर मैं आपके स्टेट ही चलता हूँ, उत्तराखंड जी। कुशल कोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी। जी कुशल जी। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। अच्छा आपने दूरस्थ एजुकेशन की बात करी, मैं उसी पे पूछना चाह रहा हूँ जी। ये कोरोना काल में डिस्टेंस एजुकेशन का प्रासंगिकता बढ़ी है, इसकी रिलेवेंसी बढ़ गई है, लेकिन अवधारणा क्या है? केवल कॉरपोरेट में नहीं, सरकारी सेक्टर में भी जब हम जाते हैं तो जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हमने डिग्री ली है उसे 2M दर्जे का मान लिया जाता है, और काफ़ी हद तक ये गुणवत्ता उसकी कम है, ये बात माननी पड़ेगी। तो क्या सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है कि डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम उतनी ही क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ जितना हम रेगुलर कोर्सेज के थ्रू देते? और दूसरा सवाल इससे ही जुड़ा है कि हम ऑनलाइन परीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन आपने ही कहा कि हम तैयार नहीं थे और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब ऑनलाइन परीक्षा लें तो प्रश्न पत्र कुछ और तरीके के होने चाहिए, और प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए कि घर बैठे बच्चे का मूल्यांकन हो सके। पैटर्न वही चल रहा है ट्रेडिशनल, केवल माध्यम हमने उसको ऑनलाइन कर दिया, तो क्या इस पर भी कुछ सोचा जा रहा है? और तीसरा प्रश्न हिमालयी राज्यों से जुड़ा है,
आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते होंगे, हिमालयी राज्य इसलिए डरे हुए हैं कि कोरोना की वजह से ये ना हो कि समग्र शिक्षा के तहत जो ग्रांट मिलती है उसमें कोई कटौती होने जा रही हो, क्योंकि पहाड़ी राज्यों का पूरे शिक्षा का दारोमदार समग्र शिक्षा के तहत जो सेंटर से ग्रांट मिलती है उस पर रहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ पहाड़ी राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को, जो हिमालयी हमारी पूरी बेल्ट है, उन राज्यों के प्रति कुछ कंसेशन, कुछ रियायत बढ़ती जा सकती है? कुशल जी, आपने पहले तो कहा कि दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता आज की परिस्थितियों में और अच्छी बढ़ गई है, ये बात सही है। आपने साथ साथ चिंता जताई कि दूरस्थ शिक्षा की जो डिग्रियां थी उसमें बहुत अच्छा उसका रिजल्ट नहीं था, और इसलिए उसकी जो गुणवत्ता थी वो कम थी। और तीसरा सवाल आपका हिमालय राज्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न तो जो आपने किया है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस दिशा में हम बहुत सचेत हैं। हमने यूजीसी के चेयरमैन को कहा है कि वो एक टास्क फोर्स बनाए, वो एक कमेटी गठित करे, और जो ये दूरस्थ शिक्षा है हमारी और जो ऑनलाइन शिक्षा होने वाली है उच्च शिक्षा में भी, इन दोनों के लिए इसकी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए जो 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 भी संभव हो सकता है वो सबको करें। और इस बीच पीछे से एक साल से मैं लगातार इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले इग्नू के कुलपति आए थे और उन्होंने अपने कई पाठ्यक्रमों को और विस्तार दिया है। पूरी दुनिया में इग्नू से जुड़ने के लिए तमाम कम से कम 85 केंद्र, दुनिया के तमाम जो लगभग 50 से अधिक देश उनके पाठ्यक्रमों से जुड़ने को तैयार हैं, और हम जोड़ेंगे। उनके कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो दुनिया, हम क्योंकि हमने कहा है स्टडी इन इंडिया, आओ भारत को पढ़ो दुनिया के लोगों, और उस लाइन पर बहुत मजबूती के साथ हम आगे हैं। तो जो आपकी चिंता है कुशल जी कि ये दूरस्थ शिक्षा का स्तर कम होता है, बिल्कुल नहीं, दूरस्थ शिक्षा का वही स्तर होगा जो सामान्य शिक्षा का स्तर होगा, और उसको मैं स्वयं अपने स्तर पर भी हर 3 महीने के अंदर उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जहाँ तक दूसरा विषय आपने कहा है कि ऑनलाइन, मैंने ये नहीं कहा कि हम तैयारी नहीं थे, मैंने तो कहा कि दुनिया को पता नहीं था कि यह संकट आएगा, और किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि इस संकट में HRD मिनिस्ट्री एक झटके में, जहां 5% भी ऑनलाइन नहीं था, वहां 60-70% तक एक साथ देश भर में आ जाएगा, कोई सोचता नहीं था। आपने भी शायद सोचा नहीं होगा कैसा हो जाएगा, लेकिन आपका बच्चा अब पढ़ रहा है, आप भी पढ़ा रहे हैं उसको, और पाठ्यक्रम में दे रहे हैं, और हमने बाकायदा संशोधित उसको कैलेंडर भी दिया है। हम डे टू डे कर रहे हैं कि किस घंटे में कौन बच्चा क्या 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 पढ़ने वाला है, ताकि उसको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और साथ साथ में अभिभावकों को ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ उस पर ज़्यादा दबाव मत दीजिए बच्चे पर, जितना हंसी खुशी में मस्ती के साथ वो पढ़ सकता है उसको पढ़ाइए, उसको वक्त दीजिए। तो हमने ऑनलाइन किया, पूरी ताकत के साथ किया, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है और हमको बहुत सारी तैयारियां करनी है, आगे बढ़ना है। ऑनलाइन के आधार पर क्या क्या कार्रवाई आगे करनी है, समय और परिस्थितियों के अनुसार वैसे ही हम बहुत तेज़ी से, आपको ये जान करके खुशी होगी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 घंटे काम कर रहा है। जब ऐसे मौके पर लोग घरों से बाहर नहीं हैं, तो चाहे मेरे IITs के बच्चे हों, NITs के बच्चे हों, चाहे वो विश्वविद्यालय के हों, वो अपने अनुसंधान संस्थानों में, प्रयोगशालाओं में हैं, और दूसरे में इधर जो अन्य टीम है वो पाठ्यक्रमों को तैयार करने में, उनको ऑनलाइन भेजने में, बच्चों के साथ संवाद करने में, अभिभावकों के साथ संवाद करने में, अध्यापकों को रेगुलर जोड़ने में लगातार काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ऑनलाइन का जो दूसरा विषय था उसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़े हैं। तीसरा सवाल जो आपने किया है वो हिमालय राज्यों की, बात सही है। तो
तुम तो जानते ही हो कि मैं बचपन से हिमालय से, हिमालय में तो मैं पैदा हुआ, लेकिन हिमालय मेरे रग रग में बसा है। और मेरी बहुत प्रबल धारणा रही है शुरू से कि ये हिमालय एशिया का वाटर टावर है, ये हिमालय आध्यात्म की राजधानी है, ये हिमालय शक्ति का पुंज है, ये हिमालय जैव विविधता का पुंज है, ये हिमालय पर्यावरण की पहली पाठशाला है, ये संस्कृति का प्राण है, और ये हिमालय वो था जिसमें वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता है, ये आयुषो वेदा आयुर्वेद को जो आयु का विज्ञान है यहीं से वो पैदा हुआ है, और आज भी चरक ऋषि का दंडक उधर ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि हिमालय का पूरा क्षेत्र है, न केवल उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये समूचा जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो विविधता से जुड़ा है और देश के लिए है। उसका जल, जंगल, जमीन और जन, ये चारों देश के लिए समर्पित होते हैं, तो देश की पूंजी है ये, और इसीलिए इन क्षेत्रों में विशेष करके अलग से प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हो, और चाहे वो सीमावर्ती राज्यों का हो, इन सभी राज्यों की विशेष चिंता की है। और जो भी भारत सरकार से जो ग्रांट मिलती है वो 90 और 10 के हिसाब से मिलती है, 90% उसमें अनुदान होता है और 10% केवल ऋण में होता है, जबकि अन्य राज्यों के साथ जो स्थिति होती है वो 60 और 40 के। तो ऐसा क्योंकि हिमालय हमारी सीमाओं को रक्षा करता है। औसतन एक परिवार से, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी देने के लिए पहली पंक्ति में खड़ा रहता है, और दूसरी पंक्ति में दो दो तीन तीन विदेशी सीमाओं से जुड़े उसकी माँ और बहनें भी सेनानी की तरह खड़ी रहती हैं अपने राज्य में। तो ऐसा अद्भुत देशभक्त क्षेत्र हिमालय का ही हो सकता है। तो उनकी चिंता ज़रूर होगी, और जो आप जिस बात को लेकर के कह रहे हैं कहीं उनके साथ ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं, वो पूरे देश की चिंता है, मेरे प्रधानमंत्री जी की नहीं, सारे देश की ये हमेशा चिंता रही है, और सारा देश अनुप्राणित रहा है हिमालय से। तो कभी भी किसी के मन में, सबके मन में ये है कि हिमालय सुरक्षित रहना चाहिए, हिमालय सशक्त रहना चाहिए, सबल रहना चाहिए, और तभी और अस्तित्व बरकरार रह सकता है। तो इनकी योजनाओं के साथ कोई कमी नहीं होगी, ये मुझे भरोसा है। जी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। मंत्री जी, ये ठीक है कि कोरोना ने इस समय पूरे विश्व को हिला के रख दिया है, पर अपने देश में दूर दराज के और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कि इस कोरोना महामारी की व्यापकता इतनी अधिक नहीं है, और उन क्षेत्रों में स्कूल खोलने में क्या संकोच है राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का। एक दूसरा, क्या जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं या ऐसे बच्चे जो थोड़े गरीब परिवेश से हैं जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है, टेलीविजन नहीं है अभी इत्यादि, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा कोई मायने नहीं रखेगी, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में इस तरीके के बच्चों के लिए क्या विद्यालय खोले जाए और उनको शिक्षा ग्रहण कर लेने दी जाए? क्योंकि इसका एक और पक्ष ये है कि इस तरीके के बच्चों का मूल्यांकन भी निरंतर होते रहना जरूरी होता है, क्योंकि इनका अपना जो मोटिवेशन है शिक्षा के प्रति थोड़ा कम होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी अपने माँ बाप के रोजगार की तरफ भागने लगते हैं, और इनको अगर बांध के नहीं रखा जाएगा तो ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र हो जाएगी कि और ऑनलाइन पर जाके इतने बच्चों ने देखा, समझा, पढ़ा, जबकि जो आंकड़ा कहता है कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में तो डेस्कटॉप वगैरह जो है वो माँ के बराबर है, मोबाइल पर इसकी शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकती, इस पर आपका क्या मूल्यांकन, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पहला तो, संजय जी, आपने पहला विषय तो आपका है कि जिन राज्यों में ये स्थिति नहीं है वो राज्य कैसे करके अपने स्कूलों को खोल सकते हैं। हमारा, आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण से रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं,
मैं भी देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से निरंतर संवाद कर रहा हूं और अभिभावकों से संवाद कर रहे हैं, हम छात्रों से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत साफ कहा है सभी राज्यों को, जिन जिन राज्यों की जो जो परिस्थितियाँ होंगी वो अपना निर्णय लेंगे, लेकिन हाँ उनका जो निर्णय है वो विचार विमर्श के बाद गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के नीति और नियमों के तहत ही वो खोलेंगे। तो उनको प्रतिबंध नहीं है कि आप चर्चा मत करिए, गृह मंत्रालय से बात करने के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करने के बाद जो नियम है उसके अनुसार वो आगे बढ़ा सकते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि जो बच्चा है जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जो बच्चा जिसके पास नेट की सुविधा नहीं है वो कैसे पढ़ेगा, और वो यदि ऑनलाइन पर पढ़ता भी है तो उस पर उतना नियंत्रण नहीं होगा। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि अभी भी उसकी ज़रूरत है, जिसके पास नेट नहीं है और स्मार्ट टेलीफोन नहीं है उस तक हमको पहुँचना है। उसी तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, जैसे हमने नीचे की शिक्षा में दीक्षा है, ई पाठशाला है, स्वयं है और स्वयं प्रभा है, ये उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के, इनमें CBSE बोर्ड के सारे पाठ्यक्रम भी हैं, NCERT की पुस्तकें भी हैं, और विभिन्न राज्यों से हमने कहा कि वो अपना पाठ्यक्रम तैयार करके इस प्लेटफॉर्म पर दें, और बहुत सारे राज्यों ने दिया भी और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा इन सुविधाओं से वंचित है उसके लिए हम लोगों ने जो स्वयं प्रभा है वो 32 चैनल हैं हमारे पास, 32 चैनल जो 24 घंटे चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो आर्थिक पैकेज में शिक्षा के लिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ई विद्या का दिया था, मनोदर्पण का दिया था, और उन्होंने साथ साथ कहा है कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन क्लास वन चैनल। तो ये जो वन क्लास वन चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम DTH पर जाएंगे, हम दूरदर्शन से, हम टाटा स्काई के माध्यम से, हम विभिन्न माध्यमों से उस बच्चे तक जाएंगे और उसकी जा भी रहे हैं और तेज़ी से बढ़ाएंगे। लेकिन टेलीविज़न पर वो छात्र अपना पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सकेगा। और जो आपने चिंता व्यक्त की है कि मोबाइल पर ही भविष्य में कैसे करके ये होगा, तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड करके हम अलग से उसको तैयार कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट विभिन्न प्रदेशों में हमारे चल भी रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हो रही है, जिसमें ये स्मार्ट क्लासरूम में और डिजिटल बोर्ड रहेगा, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम शिक्षा देंगे, ताकि उसी पर जो मोबाइल है उसी पर न चिपका रहे, और उधर वो जो बच्चा जिसके पास कोई संसाधन नहीं है वो टेलीविज़न के माध्यम से, और यदि टेलीविज़न भी नहीं है तो रेडियो के माध्यम से निकट भविष्य में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी नज़र उस अंतिम छोर के बच्चे पर है, हम हर हाल में उसको भी शिक्षा देना चाहेंगे ऑनलाइन पर। सर अगला सवाल हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार तरुण जी, कैसे हैं आप? बस सर, बहुत लंबे समय के बाद, 2010 के बाद जो है मुलाकात हो रही मुझे लगता है। सर मैं आशा करता हूं, मैं देखने में अभी भी वैसा ही लग रहा हूं आपको जैसे। मैं देख रहा हूं आपको, अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे आप, मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा यदि आपकी अनुमति हो तो, एक से अधिक।
यदि हम इस कोरोना काल से परे जाकर के भी प्रश्न पूछें सर, नई शिक्षा नीति का बहुत समय से प्रतीक्षा हो रही है, उसमें अभी क्या है इसका तो पूरा ज्ञात अभी हम लोग को है नहीं, उसमें शायद काम करा जा रहा है। सर कुछ शिकायतें अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के रही हैं कि एक स्मरण शक्ति को ही नापता है, टेस्ट ऑफ मेमोरी है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये सब जो विधाएं हैं ये इनका सही आकलन नहीं हो पाता है। क्या सर नई शिक्षा नीति में इनका समावेश करा जाएगा? पहली बात तो जो आपने चर्चा की है कि नई शिक्षा नीति की लोगों को प्रतीक्षा है और वो अब आ जानी चाहिए। 33 वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति आएगी और इसका मसौदा बिल्कुल तैयार है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को भी अवगत है ये बातें कि शायद नई शिक्षा नीति पर जितना व्यापक परामर्श हुआ वो दुनिया का इतना बड़ा परामर्श शायद ही किसी नीति के लिए हुआ होगा। आप समझ सकते हैं करोड़ों करोड़ों अध्यापक, अभिभावक, छात्र, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा से के विभिन्न आयामों से और संस्थाओं से जुड़ी वो प्रतिभाएं, और यहाँ तक कि स्थानीय जो हमारी ग्राम समितियाँ हैं, 1.25 लाख स्थानीय ग्राम समितियों तक से परामर्श होना, आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना व्याप इसका हुआ होगा। क्योंकि हम लोग 33 वर्षों के बाद इस शिक्षा नीति को ला रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, देश भी बहुत तेज़ी से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वो छलांग मार रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, लोगों में आत्मविश्वास हुआ है, हमने दुनिया में अपनी को मजबूत किया है, हम तेज़ी से उभर करके विभिन्न क्षेत्रों में आए हैं। तो इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है वो नई शिक्षा नीति वो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से युक्त होगी, रोजगार परक होगी, भारत केंद्रित होगी, प्रौद्योगिकी से युक्त होगी, ये इसका निचोड़ है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक नए भारत का निर्माण चाहिए, और वो बार बार उन्होंने उनकी संकल्पना है कि ऐसा मजबूत भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो, तो ऐसा जो भारत चाहिए, ऐसे सशक्त और श्रेष्ठ भारत के लिए उसकी जो आधारशिला है और जो सूत्र उन्होंने दिया कि मेक इन इंडिया, क्योंकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में हमको चाहिए, इसलिए जो रास्ता दिया है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप, ये तमाम प्रकार के सूत्र दिए हैं, और उन सूत्रों को जब हम अपने कौशल को विकसित करेंगे, हम अपनी शिक्षा में उन सब चीज़ों को डालेंगे, तो मुझे भरोसा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नए भारत की संकल्पना की है, उस नए भारत की संकल्पना में उनके सानिध्य में जो नई शिक्षा नीति स्थापित हो रही है वो निश्चित उसकी आधारशिला बनेगी, और ये बहुत मजबूत आधारशिला होगी। और इसलिए निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं तरुण जी की जो नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ है और वो जल्दी से जल्दी लोगों के सामने होगी और वो मजबूत भारत के निर्माण की आधारशिला होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या ये आशा कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, क्योंकि जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को नई शिक्षा नीति में भी जो प्रावधान है उसमें एक कि 20% सब्सिडी होगी स्टूडेंट्स के लिए, सब्सिडी स्टूडेंट्स के लिए, 30% स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स के लिए, फी कैप पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा कि अपर लिमिट कितना प्राइवेट सेक्टर, तो एक ये संशय है कि प्राइवेट सेक्टर को शायद वह ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी जिसकी वो अपेक्षा कर रहा है।
ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि यदि ये शंक है तो उनको कहिए वो निशंक बने, कोई शंका का विषय नहीं है। हम लोगों ने स्वायत्तता दी है, आपको तो मालूम है कि अभी भी जो IOE जो 20 शीर्ष संस्थान देश के अंदर हम लोगों ने चुने हैं उसमें 10 प्राइवेट हैं और 10 सरकारी हैं। हम लोग तो इस आधार पर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। मोदी जी की सरकार आने के बाद ही स्वायत्तता ज़्यादा मिली है संस्थानों को। तमाम यदि आप डिग्री कॉलेजों को देखेंगे जिनकी स्थिति मजबूत है, जिनको स्वायत्तता दे करके ऐसा लगता है कि नहीं शिक्षा का संरक्षण हो जाएगा और बच्चे यहाँ से बहुत आगे निकलेंगे, उनको स्वायत्तता दी है और आगे भी हम स्वायत्तता के पक्षधर हैं। इसलिए ऐसा नहीं है जो आपको सुनने को मिल रहा है वो कदाचित शायद अभी ठीक नहीं है। और हम संस्थानों की सशक्तता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शीर्षस्थ स्थान पर जाएं, हम विश्व की रैंकिंग को पाना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1,000 से भी अधिक हमारे विश्वविद्यालय, ये तो दुनिया तो सुनकर के हैरान हो जाती है। तो हम इसका स्तर भी बढ़ाएंगे और उसका व्याप भी बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो स्वायत्तता भी देंगे। सर कब तक अपेक्षा कर सकते हैं कि आ जाएंगे? शिक्षा नीति हम लगभग तैयार है और वो कैबिनेट में जाएगी जब भी कैबिनेट का आदेश होगा, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आनी चाहिए। सर एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा, मुझे मालूम है मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ। एक विषय इज वेरी क्लोज टू मी, ये जो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन लेवल पर स्पाइक इन मार्क्स हो गया है, सर उदाहरण स्वरूप यदि मैं 12th मान लीजिए साइंस से पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज से साहब मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ, तो जो कट ऑफ जा रही है कि वो 98-99% मतलब टू स्टडी लिटरेचर एट ग्रेजुएशन लेवल आई एम एज अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू स्कोर अ 98 और 99 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज वेल इफ दोस वर माय सब्जेक्ट्स एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो सर इससे होता ये है कि कहीं ना कहीं एक्सोडस या पलायन वहीं से शुरू हो जाता है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा हैं, एप्लीकेशन ज्यादा हैं, सीटें कम हैं, तो इस मिसमैच को कैसे एड्रेस करेंगे हम गोइंग फॉरवर्ड? मुझे लगता है कि अलग बात है कि जो ये संस्थान हैं वो उनके अपने अपने प्रवेश की क्षमता भी है और अपने प्रवेश के नियम भी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बीच मैंने कहा कि इतनी संस्थाएं हैं और अब जो ये विषय का भी है, ये विषय के भी ये नई शिक्षा नीति में उसके लिए भी लेने के लिए छूट होगी, और जो अभी 100 विश्वविद्यालयों का 100 विश्वविद्यालयों को जो ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में और मजबूत हम करेंगे तो काफ़ी कुछ वो इसको भी पाटेगा। लेकिन तो भी मुझे खुशी होती है कि हमारे संस्थानों ने अपनी गरिमा को बचा करके बना करके भी रखा है और अपने स्तर को गिरने नहीं दिया है, और हम भी यही चाहते हैं कि वो उसकी गरिमा भी बनी रहे और उसकी गुणवत्ता कृष्टता भी बनी रहे। लेकिन जिन छात्रों के बारे में कि जिनको प्रवेश नहीं मिलता है उनके भी ये जो वैकल्पिक विषय हमने बताए हैं और जो बनाए हैं उसमें उनको सुविधा मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी कई सवाल आपसे शिक्षा नीति पे पूछे गए, वो सबके मन में ये सवाल होते हैं जो मैंने पूछा जी। ये सच है सर, लेकिन आपने कहा कि बहुत ज्यादा विस्तार में इससे चर्चा हुई, सबसे ज्यादा विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इतना ही सच ये भी है कि कंफ्यूजन इसको लेकर के हमेशा बरकरार रहा। पिछले 5-6 साल से कई बार लगा कि अब 5 दिन में शिक्षा नीति आ जाएगी और फिर टल गई। अभी पिछली बार भी 2 महीने पहले करीब लगा था कि अब
पांच सात दिनों में एक सप्ताह के अंदर शिक्षा नीति आएगी, फिर से लंबी खींच गई। खैर सर, वो दूसरा इशू है जिस पे कभी बाद में बात कर लेंगे। अभी हम लखनऊ के रेजिडेंट एडिटर सदगुरु शरण जी को से आग्रह करेंगे सवाल पूछे। नमस्कार निशंक जी। नमस्कार सदगुरु जी। जी, हमारा सवाल जो हमारे देश के उच्च शिक्षा संस्थान है, खासकर जो हमारे ग्रैंड इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे IIMs, IITs, NITs, AIIMS और PGIs, उनको लेकर है, उनके स्तर को लेकर है। जब भी दुनिया के विश्वविद्यालयों की कोई रैंकिंग जारी होती है तो सबके लिए बहुत शर्म का दिन हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रांड इंस्टीट्यूट्स भी उसमें बहुत नीचे कहीं चले जाते हैं, और ये हमेशा से चल रहा है। और इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या मौजूदा केंद्र सरकार कुछ सोच रही है देश की उच्च शिक्षा को इससे बाहर निकालने के लिए, क्या रोड मैप है? सदगुरु जी, आप सामने क्यों नहीं आ पाए होंगे? मैं आपको देख ही नहीं पाया, आपको मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल जी। तो आप जी, अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं आप? आ गए सदगुरु जी, आपका नहीं ऑफ है कैमरा ऑफ है सदगुरु जी का कैमरा आपको, क्योंकि मैं देखना भी चाहूंगा ना सदगुरु जी को, बहुत दिन से देखा नहीं है, मुझे लगता है नहीं हो पा रहा है। सदगुरु जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के लोगों को अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति तो 2013 से पहले की थी, 2013 के बाद यदि आप देश के शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन की दिशा में आप शोध और अनुसंधान करेंगे तो आपको खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और इसलिए पहले तो चाहे QS रैंकिंग में था और चाहे वो टाइम्स रैंकिंग में था, कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं आता था, लेकिन अब पिछले 3-4-5 वर्षों में और पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा हम टाइम्स रैंकिंग में भी आते हैं, हम QS रैंकिंग में भी आते हैं, हमने NIRF को अभी घोषित किया कुछ ही दिन पहले, हमने NAC की रैंकिंग को भी सुनिश्चित किया है, और आज तक तो कोई संस्था न तो NIRF में आती थी और न NAC में आती थी। अभी तो हम अपनी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी नहीं करते थे, अब तो पहली बार ही माहौल बना, और आपको खुशी होगी ये जान करके कि अभी जो QS रैंकिंग में पूरी दुनिया के शीर्ष जो विश्वविद्यालय हैं, 21 भारतीय विश्वविद्यालय आए हैं उसमें। और आपको ये भी बहुत खुशी होगी कि QS रैंकिंग में पहले 200 में हमारे 3 संस्थान आए हैं, जिसमें IIT मुंबई है, ISR बेंगलुरु है और IIT दिल्ली है, ये प्रथम 200 में भी पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारी संस्थाएं बढ़ रही हैं, हमारे IITs, हमारे NITs, हमारे ISR, हमारे IIM बहुत तेज़ी से, IIIT बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। अभी आपको जानकर के खुशी होगी कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्र हमारे IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आ रहे हैं, और उनके साथ MOU हो चुका है विदेश मंत्रालय के साथ, उन देशों के साथ, और जो स्टडी इन इंडिया के तहत दुनिया के छात्र बहुत तेज़ी से इधर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये ख्वाब रहा है कि दुनिया का बच्चा हमारे देश में पढ़ने के लिए आना चाहिए, और हमारा जो अध्यापक है वो दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। इसलिए भी कि ये जो देश है ये विश्व गुरु रहा है, इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया का व्यक्ति पढ़ने के लिए आया करता था, और इस देश के बारे में हमेशा ये उक्ति रहती थी, ये तद देश प्रसूतस्य सका साधग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरण पृथ्व्यम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोग तो हमसे शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कौन सा क्षेत्र था ऐसा, चाहे वो जीवन मूल्यों का विषय रहा हो, चाहे ज्ञान और विज्ञान का किसी सीमा तक अनुसंधान का विषय रहा हो,
और इसलिए हम लोगों ने जो अभी 20 IOE संस्थाएं चिन्हित की हैं, मैं हर महीने उनकी समीक्षा कर रहा हूं, हम पूरे विश्व के शिखर पर जाएंगे। और अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं सदगुरु जी आपको कि ये जो क्यूएस रैंकिंग है और जो ये टाइम्स रैंकिंग है, ये अपने तरीके से मानक बनाते हैं। हमने उनको कहा था कि जो मानक आप वहाँ बनाते हैं उसी मानक को हिंदुस्तान की ओर से उस मानक को बना देंगे तो और देशों की संस्थाएं फेल हो जाएंगी। हम अपने देश की रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हमने परामर्श कार्यक्रम UGC के तहत शुरू किया है। ऐसा परामर्श जो रैंकिंग में हमारी संस्थाएं बहुत ऊंची दर्जे पर पहुंच रही हैं, उसके अगल बगल के 5 चाहे विश्वविद्यालय चाहे कोई डिग्री कॉलेज है, वो उसकी रैंकिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा, निरंतर उसकी उसका मार्गदर्शन करेगा। तो हम लोग पूरी तरीके से ये संस्थाएं हमारी समृद्ध और सशक्त कैसे हो सकती हैं, हमारी संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ेंगी। धन्यवाद मंत्री जी और शुभकामनाएं कि आपके धन्यवाद धन्यवाद बहुत अब दिखे हैं आप। धन्यवाद। खैर मंत्री जी, आप जानते हैं कि नई दुनिया जो है सो हमारी सही सिस्टर की जो है, छत्तीसगढ़ के रिटर्न मनोज झा। मनोज जी सवाल पूछिएगा। जी मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अभी बहुत सारी बातें आपने हमें बताई भी, एक पूरे देश भर की ये चिंता है कहीं ना कहीं, खासकर मध्यवर्गीय समाज और ग्रामीण समाज का चिंता है, जो सरकारी स्कूली एजुकेशन सिस्टम जो हमारा था पहले, जो उसकी गुणवत्ता थी, जो हम सबकी पीढ़ी वहीं से पढ़ के निकली है, वो खत्म हो गई है। क्या नई शिक्षा नीति में सरकारी स्कूली तंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने का कोई ठोस उपाय सोचा जा रहा है? और दूसरा यही कि जो कोरोना काल का की लर्निंग्स है हमारी, नई शिक्षा नीति में ड्राफ्ट मान लीजिए तैयार हो गया होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या कुछ हम उसमें संशोधन जोड़ना चाहेंगे? हमको लगता है कि अब आगे ये ठीक है, पहली बार आया है, आगे और भी आ सकता है, इससे बिकट चुनौती आ सकती है, तो इस तरह की मतलब कॉन्टीजेंसी प्लान कोई उस नीति में इंक्लूड करना चाहेंगे आप लोग? एक मेरा छत्तीसगढ़ से प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ को तमाम राष्ट्रीय संस्थान मिले तो है, एम्स है, NIT है, IIM है, तमाम HNLU है, लेकिन इन सब में ठेके पर शिक्षक रखे गए हैं, फैकल्टी परमानेंट नहीं है, 90% से ज्यादा फैकल्टी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। ऐसे में एम्स देने से, NIT देने से, IIM देने से देना क्या लगता है कि आपको काफी है? संस्थान है लेकिन पढ़ाने वाले उस तरह से अच्छी गुणवत्ता वाली पर शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं है, वो 6 महीने में 8 महीने में कहीं उनका बहुत होता है, वो छोड़ दे। आप जवाब देने दीजिए, बस मेरा प्रश्न खत्म हो गया मंत्री जी। आपने दो चीजों को कहा है, एक तो नई शिक्षा नीति में क्या जो कोरोना काल से संबंधित ये संकट है क्या उसमें जोड़ा जा रहा है, और दूसरा आपने कहा कि वो संस्थान तो बने हैं लेकिन उसमें अध्यापक नहीं है, उसकी गुणवत्ता कैसे करके और ठीक की जा सकती है। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हमने पीछे के समय में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया था और जिसमें विभिन्न विभागों के, जिसमें चाहे रक्षा मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, तमाम विभाग थे, जिसमें हमने कहा कि आप समस्याओं को दीजिए और हम अपने बच्चों से उन समस्याओं का परामर्श करेंगे और वो समाधान निकालेंगे। तो जब ये हैकाथॉन हुआ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, तो आपको इस बात की खुशी होगी कि संबंधित विभागों के जो प्रस्ताव आए थे, 83 ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें उन्होंने नए सिरे से नए तरीके से समाधान किया दिया और आज वो विभागों में उनका जो अनुसंधान, उनके जो सुझाव, उनका जो काम था वो लागू हुआ। ऐसे ही हम लोगों ने ध्रुव कार्यक्रम किया
प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बच्चा है देशभर से ऐसे चुनिंदे ध्रुव तारा होना चाहिए जो ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में बहुत ही शीर्षस्थ प्रखर हों, उनको चयन करके और उनकी और कैसे करके उनकी जितने अंदर जो ताकत है शक्ति के साथ उनको विकसित कैसे किया जा सकता है, उनकी क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो हमने इसरो से वो यात्रा शुरू की थी और 14 दिन की उस यात्रा में 60 ऐसे बच्चों को पूरे देश भर से चुना था और वो वहाँ से इसरो के मुख्यालय से इसरो के चेयरमैन सहित लगभग 3 पूर्व चेयरमैन इसरो के और वर्तमान चेयरमैन ने वहाँ से शुरू किया था जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था और फिर हमने आईआईटी दिल्ली में उन 14 दिन की यात्रा को उन ध्रुव तारों की यात्रा को हमने पूरा किया था। अद्भुत था, आप सोच नहीं सकते। अब वो ध्रुव तारा हर साल हम तैयार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो आपने कहा कि कोरोना काल में जो संकट आया है, इस संकट के समय भी आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो नौजवान है वो आगे आए, सामने आए और वो क्या कर सकता है ऐसी परिस्थिति में वो अवगत कराएं। और हमारे आईआईटीज एनआईटीज हमारे आईसर हमारे आईएम हमारे विश्वविद्यालय हमारे छात्र अनुसंधान के छात्र जुटे प्रयोगशालाओं में। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे आईआईटी ने वेंटिलेटर बहुत सस्ती दरों पर और सशक्त तरीके से वेंटिलेटर का निर्माण कराया, टेस्टिंग किट जिसका बहुत कम वक्त पे कैसे करके वो उसका अनुसंधान किया, टेस्टिंग किट का अनुसंधान किया, ड्रोन का अनुसंधान किया, मास्क सहित तमाम उपकरणों को हमारे एनआईटी आईआईटी विशेष करके आईआईटी के छात्रों ने विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस दिशा में और हमारे आईसर जो वैज्ञानिक क्षेत्र के हमारे संस्थान हैं उन्होंने काम किया। तो हम लोग जो नई शिक्षा नीति में है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे भी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी युक्त और भारत केंद्रित ये 4 सूत्र हैं हमारे, जिन 4 सूत्रों पर जो मूल्य परक शिक्षा भी होगी भारत केंद्रित भी होगी लेकिन ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से युक्त होगी। ऑलरेडी हम इस नई शिक्षा नीति को काफ़ी समृद्ध करके ले करके जा रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि वहाँ पर संस्थान तो हैं लेकिन उनमें उनका कोई फायदा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला आपने, लेकिन आपके बोलने से ऐसा लगा कि उनका उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये प्रश्न था कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल रखा जा रहा है 6 महीने 8 महीने का, तो चूंकि स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए वो डेडिकेशन उन फैकल्टीज में देखने को नहीं मिलता है, वो फिर टू एंड फ्रो करने के चक्कर में रहते हैं, उधर बेटर ऑफर जहाँ मिलता है वहाँ चले जाते हैं। मेरा ये नहीं ऐसा क्यों नहीं है, ये दोनों बातें हैं। हमारे जो आईआईटी संस्थाएं हैं जो बड़ी संस्थाएं हैं उनकी काउंसिल कहती है कि हम इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद साहब उस संस्थान के लिए वो कितना उपयोगी साबित होता वो अपने को साबित करेगा। अंततः गत पूरी दुनिया के लिए शीर्ष पर ले जाने वाले छात्र चाहिए हमको। तो फिर जो अध्यापक हैं वो भी उसी सीमा तक के मुखरता और उन पर समर्पण होना चाहिए। इसलिए आईआईटी काउंसिल ने ये तय किया कि हम लोग जिसको भी नियुक्ति देंगे उनको 6 महीने 1 साल तक देखेंगे और 1 साल तक उनको और ताकि दोनों चीज़ें हैं, उस व्यक्ति को भी लगता है कि मेरा सारा भविष्य केंद्रित है इसलिए उसकी अंदर की जितनी ऊर्जा है वो पूरी ताकत के साथ खपाता है और उसकी जो क्षमता है वो बाहर विकसित होकर के आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है उसको निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, जो काम कर रहे हैं हाँ जो काम कर रहे हैं उनको अस्थायी रूप में करते हैं, लेकिन जो आपका कहना है कि 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं 1 साल के लिए रखते हैं वो उनकी नीति का हिस्सा है। लेकिन इस बीच हमने सभी संस्थानों को पदों को भरने के लिए कहा है और सारे पद भरे जा रहे हैं, कोई पद खाली रहेगा नहीं, ऐसी कोशिश हमने बहुत युद्ध स्तर पर की है। स्कूली शिक्षा का मनोज जी
मनोज जी दोबारा आएंगे फिर समय रहा तो। मंत्री जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आशुतोष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी आपका कोई सवाल है क्या? जी बिल्कुल। नमस्कार मंत्री जी। हाँ नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार। मेरा दो प्रश्न है, पहले वाले के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा मैं अपनी बात कहने के लिए, दूसरा छोटा रखूंगा बहुत जल्दी। आपके जो पूर्ववर्ती हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अपने कार्यकाल के समाप्त होते होते ट्वीट किया था एक, आई हैव नॉट चेंज्ड अ सिंगल वर्ड इन टेक्स्ट बुक। ये बात उन्होंने जो गर्व से कही थी, हम लोग ये मानते हैं कि यह ग्लानी की बात होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के साथ कम्युनिस्टों ने जो एक इकोसिस्टम बनाया टेक्स्ट बुक के माध्यम से, उसको दूर करने का एक अवसर आपके पास आया था। 10 लगातार वर्ष मिले थे जिसमें से पहले 6 वर्षों में कुछ नहीं होता दिखा। अगले आपके पास 4 वर्ष हैं, आप जो शिक्षा नीति लाने वाले हैं, क्या हमें इन प्रश्नों का जो आपने नालंदा और बाकी भारत केंद्रों की बात की, क्या मैं वो आश्वस्ति आपसे मिलती है हमको कि हम वो इकोसिस्टम बदलने में वो सहायक होगी, उन चीजों को जो इस्लाम से पहले का भारत है उसको बताने और समझाने की जो कोशिश आपकी ओर से होगी, ये आश्वस्ति मैं चाहता हूँ। और दूसरी मेरा जो प्रश्न है कि अगर हम कानपुर आईआईटी को और लखनऊ आईआईएम को छोड़ दें तो हिंदी बेल्ट में महाराष्ट्र और गुजरात और हैदराबाद और यानी आंध्र और तेलंगाना से पढ़ने बच्चे कब आएंगे, कब हमारे पास वो चीज होगी कि उत्तराखंड और बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऐसे होंगे कि इंटर के बाद की रोजगार परक या तकनीकी शिक्षा को अपने यहाँ पढ़ा सकें और लोग उनके यहाँ पढ़ने आ सकें। धन्यवाद। पहला जो सवाल किया है आपने वो कहा है कि हमने कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया है, और जो अभी मैंने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की आपको बात की आपने उससे जोड़ा, हमेशा हर 5 वर्ष में पाठ्यक्रम परिवर्तन होता है, परिवर्तन संशोधित होता है, क्या क्या वो उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने नई शिक्षा नीति के बारे में बोला कि क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जो इस देश की गरिमामयी ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान रहा है उसको फिर दोबारा जिंदा करके आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने यदि मुझे सुना होगा तो मैंने कहा कि हम ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से युक्त भारत केंद्रित शिक्षा स्थापित करेंगे। तो भारत केंद्रित जब मैं बोलता हूँ, तो जब मैं अपने भारत की बात करता हूँ, तो सबको समझना चाहिए कि मेरा भारत माने कौन भारत, भारत केंद्रित माने कौन भारत केंद्रित। और इसलिए आप आश्वस्त रहिए इस बात को लेकर के, क्योंकि आज दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, दुनिया चाहती है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति है। हम इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि नए भारत के निर्माण की आधारशिला होगी ये, जिस नए भारत के निर्माण की बात मेरे प्रधानमंत्री जी ने की है। और ऐसा नहीं है जो पाठ्यक्रम को अभी जो नई शिक्षा नीति आएगी, तो स्वाभाविक जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वो उसके साथ साथ अनुसंधान के साथ साथ और उन पाठ्यक्रमों को जोड़ने, क्योंकि हम तेजी से दौड़ना है, हमको विश्व के फलक पर अपने को साबित करना है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम विश्व के फलक पर नहीं है, और ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी रही होगी, शिखर की संस्थाएं नहीं हमारे पास। आज अमेरिका से दुनिया के शीर्ष जो कंपनी है, दुनिया के देशों की उन शीर्ष कंपनियों का यदि कोई CEO है तो अधिकांश में कहीं ना कहीं भारत का नौजवान है जो यहाँ से पढ़ के गया है, हिंदुस्तान की धरती से पढ़ के गया है। मेरी IIT चाहे खड़गपुर का हो, IIT मुंबई का हो, IIT दिल्ली का हो, IIT कानपुर का हो, चाहे IIT मद्रास का हो, यहाँ से पढ़ने के बाद वो दुनिया में छाया हुआ है। और अभी मैं देख रहा था पूर्व छात्रों का, मैं जब भी जिस IIT में जाता हूँ, IIIT में जाता हूँ, जिस भी NIT में जाता हूँ, जिस भी विश्वविद्यालय में जाता हूँ दीक्षांत समारोह में, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के पूर्व छात्र कहाँ कहाँ हैं, इसको देखिए, एक सूची मुझे भेजिए, तो मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं, हमारे संस्थानों में बहुत ताकत है,
और उन्होंने बहुत सारे छात्रों को देश और दुनिया के मार्गदर्शन के लिए तैयार किया है और अब हम तेजी से उस आगे को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा है कि पाठ्यक्रम जब भी नई शिक्षा नीति आएगी तो निश्चित रूप में उस पाठ्यक्रम को हम लोग जो इस देश को आगे बढ़ाने के हर दिशा में जो आधारशिला बनेगी उस पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात को मैंने तक्षशिला और नालंदा जैसे बोला था उसके बाद इस देश की परिस्थिति को तो आपको मालूम है ना, सैकड़ों वर्षों तक की गुलामी झेली है देश ने और हमारे ज्ञान विज्ञान को किस तरीके से ख़त्म किया गया था। और तब आपको मालूम है कि आप ही गुनगुनाते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो वो जो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो है हमारे पास, वो जो हमारे पास है वो हमारी ताकत है और उस ताकत को हम जानते हैं महसूस करते हैं। उस ताकत को इस समय जो हमारी जड़ों से हमको काट करके दूर किया गया था, हिंदुस्तान की जड़ें और मजबूत होंगी और वो पूरी दुनिया की होंगी। वैसे भी हम आप देखेंगे तो भारत तो पूरी दुनिया के लिए है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, अयम निजा पर्वती गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाला केवल एक ही तो देश है, बाकी तो सोच भी नहीं सकते। और उस कुटुंब के लिए भी जो सारी दुनिया में माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये माता पूरी पृथ्वी हम मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये भाव हमने दिया। और वो जो पूरी पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना भी हमने ही की, केवल कल्पना नहीं की, हमने ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावे की बात की। हमने कहा अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये देश हमेशा सहारा देने वाले लोगों में रहा है, वो हमारा संस्कार रहे, वो ये नई शिक्षा नीति इन संस्कारों से युक्त होगी। और इसलिए आप आश्वस्त रहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस देश की माटी से नीचे जमीन से आ करके ऊपर उठे हैं, इस देश के दर्द को समझते हैं, इस देश की प्रखरता को भी जानते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में पूरी दुनिया में लीडरशिप लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में आज चर्चा हो रही हो, उन्होंने पूरी दुनिया की लीडरशिप ली है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का विषय लिया हो उसने लीडरशिप ली है, और चाहे इस दुनिया के मानस व्यक्ति का तन और मन को ठीक करने का जो भारत का ये अपना पाठ रहा हो उसको पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर रख करके सारी दुनिया के लोगों को समझाने का ये मादा रहा हो कि हाँ ये योग के द्वारा आदमी अपने को सुख और समृद्ध बना सकता है, स्वच्छ और स्वस्थ कर सकता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारी नई शिक्षा नीति निश्चित रूप में बहुत समृद्ध होगी, सशक्त होगी, देश को उसकी ऊंचाई तक पहुँचाने वाली होगी। मेरा प्रश्न का दूसरा भाग था मेरे पास, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ दक्षिण भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से पढ़ने के लिए बच्चे उत्तर भारत की तरफ कब आएंगे, कब बिहार और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आएंगे, या यहाँ के बच्चों को वहां नहीं जाना पड़ेगा, फैशन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है, हैदराबाद में है, बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं, इंटर के बाद की रोजगार परक शिक्षा हिंदी भाषी प्रदेश दे सके, ऐसी कोई योजना है क्या आपके पास? हर राज्य में IIT, NIT, IIM, ISER लगभग है। और ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, आप जरा अपने संस्थान लखनऊ के IIM को देखिए, आप जरा कानपुर के IIT को देखिए, आप दिल्ली के IIT को देखिए, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं वहाँ पर, आप जरा हिमाचल के IIT जो है हमारा उसको देखिए, तो ऐसा नहीं है। दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर के दुनिया के बच्चे हैं। अभी मैं एक विश्वविद्यालय में गया था जो लगभग 62 देशों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग जिन हिंदी प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं उनके जो संस्थान है हमारे शीर्ष संस्थान, उसमें दक्षिण का भी है और दुनिया का भी बच्चा पढ़ रहा है।
ये ऐसे सवाल है जिस पर बहुत लंबी चर्चा छिड़ जाएगी, तो इस पर फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे आशुतोष जी, निशंक जी के साथ मिलकर। अभी हम झारखंड से के रिटायर प्रदीप शुक्ला जी को रिक्वेस्ट करेंगे सवाल पूछें। प्रदीप जी, प्रदीप मेरी आवाज आ रही? पूछिए पूछिए। आवाज आ रही है? पूछिए प्रदीप जी। हेलो प्रदीप जी, प्रदीप जी, अच्छा हाँ पूछिए प्रदीप जी। जी मंत्री जी नमस्कार, प्रदीप बोल रहा हूँ। जी जी, पहला सवाल झारखंड से जुड़ा हुआ है। ये जो NIOS की परीक्षा है, जो झारखंड के करीब 4,500 पारा शिक्षक जो है इस परीक्षा में फेल हो गए थे, RTE के तहत जो है ये अनिवार्य है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 31 दिसंबर 2019 डेडलाइन रखी थी, अंतिम मौका दिया था ऐसे शिक्षकों को वो परीक्षा पास कर लें। अब इन शिक्षकों को एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये हो गया कि ये पढ़ा नहीं सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अभी भी इनकी सेवाएँ ले रही है और 1.5 साल से ये शिक्षक अभी स्कूलों में काम कर रहे हैं बिना वेतन के। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा यहाँ पे दावा कर रही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और आपके साथ टाई अप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एक बार मौका और दे, जो शादी मिनिस्ट्री है इनको एक और मौका दे परीक्षा में बैठने का, ताकि वो परीक्षा में बैठ सकें और ये परीक्षा को पास कर सकें। तो क्या ऐसा कोई प्लान है, क्या ऐसा कोई अनुमोदन यहाँ से गया है, और क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो पारा शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं उनको एक मौका और दिया जाएगा? मुझे लगता है कि ये जो आपका प्रश्न है इसमें शायद थोड़ा सा भिन्नता होगी। एक तो NIOS के द्वारा जो डिग्री प्राप्त लोग थे, जिसमें बिहार से लेकर के आपके बहुत सारे राज्यों में थे, और उनका मुद्दा था जिसको जो हमारी NCT है वो उनको मान नहीं रही थी और राज्यों में वो पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने के बाद उनको वो शिक्षा के रूप में यहाँ से वो प्रमाणित नहीं हो पा रहे थे, इसका थोड़ा सा विवाद चल रहा था। पीछे के समय में एक कोर्ट ने जो आदेश दिया उस कोर्ट का हमने पालन किया, और उस कोर्ट के आदेश के पालन के अनुसार वो जितने भी NIOS के द्वारा जो डिग्रीधारी थे वो भी अब शिक्षक के रूप में आ गए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल ये इस ढंग का है कि उन्होंने यदि पास नहीं किया है, तो यदि वो पास नहीं किया है तो कहाँ से यदि एक बार में, दो बार में, तीन बार में उनको समय दिया गया, ये तो 2014-15 से लिया है, फिर 16 में होगा, 17-18 में लिया, तो मुझे लगता है कि वो कोई अलग प्रकरण होगा, उसको मैं दिखवा लूँगा। लेकिन मूलतः ये था कि जो वो जो छात्र थे उन छात्रों को जो NIOS के द्वारा प्रशिक्षित थे उनको फिलहाल मान लिया गया है कोर्ट के आदेश के तहत। एक और मेरा सवाल प्रदीप जी, बिल्कुल छोटा सवाल रखिएगा, बिल्कुल छोटा। जिस तरीके से आपदाएं देश में बढ़ रही लगातार, आप देख रहे हैं चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे अब ये हेल्थ सेक्टर की आपदा हो, या बार बार भूकंप के झटके हम लोग महसूस करते हैं, या तमाम तरीके की आपदाएं देश में है, और आगे जैसा कि इलेक्शंस हैं कि ये आपदाएं और बढ़ेंगी, तो जो नई शिक्षा नीति है क्या हम बच्चों को ऐसा कुछ तैयार करेंगे कि आने वाली भविष्य की जो आपदाएं हैं जो भारत में या दुनिया में जो आपदाएं आने वाली हैं जो बढ़ रही लगातार, तो क्या वो बच्चे तैयार करने का कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्कूल शिक्षा से? हाँ निश्चित रूप में, जो आपका प्रश्न है वो जो आपदा है, आपदा कब आती है और क्यों आ रही है, स्वभाव की प्रकृति के साथ जब हमारा सामंजस्य नहीं बैठता है, जब जब प्रकृति के अनुरूप हम रहे हैं, प्रकृति से के साथ मिलन, वो हमारी प्रकृति, वो हमारी संस्कृति बनी है, प्रकृति के साथ मिलन, उसी के अनुरूप काम करना, उसी के उसके संरक्षण करना और उसके साथ सामंजस्य बिठाना ही हमारी संस्कृति बनी और संस्कृति जीवन बनता है। लेकिन प्रकृति के खिलाफ जाना
और प्रकृति के अनुरूप काम न करना वो होती विकृति, और विकृति माने विनाश का कारण होती है जो हम सब के सामने है। तो जरूर नई शिक्षा नीति प्रकृति को भी पढ़ाना चाहती है और पर्यावरण और उसके संरक्षण का, जो वनों का संरक्षण है, जल का संरक्षण है, तमाम जैव विविधता का संरक्षण है, यह हम अपनी शिक्षा का अंग बनाएंगे कि ताकि हमारे बच्चा समझ सके कि यदि आपदाओं को रोकना है तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, प्रकृति के अनुरूप करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति संतुलन अपना करती है, कहीं भूकंप आएगा, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं सुनामी आता है, तो प्रकृति का जो नियम है वो अपने को संतुलित करती है। तो इसलिए पहले से ही हम संतुलित रहेंगे, यदि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे तो पर्यावरण की भी परेशानी नहीं होगी और जो आने वाली इन आपदाएं हैं उनको भी रोका जा सकेगा। जरूर इसको कोशिश करेंगे कि इसका अच्छा हिस्सा नई शिक्षा नीति के तहत किसी न किसी रूप में आए। ये प्रदीप जी थोड़ा समय कम है तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं फिर दोबारा रोकेंगे। निशंक जी, जम्मू कश्मीर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इशू रहा है, हम जम्मू ही चलते हैं। अभिमन्यु जी या नवीन जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं जम्मू से? नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बोलिए। सवाल है, जैसे आपने कहा कि हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। सर आपने जैसा कहा कि आप हिमावर्ती क्षेत्रों और हिमालयी क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं तो जम्मू कश्मीर भी इसमें आता है। सरकार ने सर एक शिक्षा निवेश नीति 2020 बनाई है, इसका मकसद बाहरी निवेश को आकर्षित करना था, तो आपका मंत्रालय इसमें क्या सहयोग कर रहा है? पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पीछे के समय जो भी स्थिति रही है उसमें भी शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और आज जम्मू कश्मीर श्रीनगर घाटी और लद्दाख पहली बार उनको ये महसूस हो रहा है कि उनको देश की स्वाधीनता के वो अंग हैं, तो ये तो अच्छी बात ही है। मैं पीछे के दिनों श्रीनगर घाटी में गया था, निष्ठा एक कार्यक्रम था जिसमें 1000 से भी अधिक अध्यापकों का प्रशिक्षण था और जब मैंने सबसे संवाद किया तो मुझे इस बात को जानकर के खुशी हुई कि जम्मू कश्मीर में ठीक समय पर परीक्षाएं शुरू हुई और 100% छात्रों ने परीक्षाएँ दी और समय पर उनका रिजल्ट निकला है, उससे पहले कभी इतना होता भी नहीं था। तो एक तो अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की घाटी पूरा जम्मू कश्मीर ने ये महसूस किया है और लोगों में बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जिस विवेक और सूझबूझ के साथ और उन लोगों को जो सम्मान दिया है और मुख्य धारा में किस तरीके से हम उनको ये लगा कि हाँ देश की इन योजनाओं का लाभ उसको भी है, आखिर जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम का लाभ क्यों ना मिले, उसको फ्री गैस कनेक्शन का लाभ क्यों ना मिले, उसको जो खाद्यान्न का जो लाभ क्यों ना मिले, ऐसे यदि सैकड़ों योजनाएं हैं जिनके लाभ से वो हमेशा वंचित रहता था। और इसलिए आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा, लद्दाख का बच्चा बच्चा भी कितना प्रसन्न चित है, उसको महसूस होता है कि अब वो शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, तमाम जगह वो अपने को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकेगा। शिक्षा की जहाँ तक आपने बात की है, हमने वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है, हमने IIM स्थापित किया है, NIT है हमारा, IIT है और अब तो एक दो और शाखाएं हैं, केंद्रीय विद्यालय हों चाहे नवोदय विद्यालय हों, हर जिले में हम खोल रहे हैं। अभी मेरा लगातार संवाद हो रहा है वहाँ पर और
शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार परामर्श होने के बाद निश्चित रूप में हम जम्मू कश्मीर और हमारा जो लद्दाख का क्षेत्र है उसको हम और सशक्त करना चाहते हैं शिक्षा के तहत। जहाँ तक निवेश का सवाल आपने कहा है, हम हिपा के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए का ये जो शैक्षणिक संस्थानों की सुदृढ़ता है उनके अवस्थापनाओं के विकास पर ये हिपा के तहत तो उसको हम लोग 2022 तक होगा, आगे भी यदि संभव होगा और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो विदेशों में जाने वाले छात्र थे लगभग 7,00,000 से भी अधिक छात्र दुनिया में जाते थे पढ़ने के लिए, तो हमारी बहुत बड़ी प्रतिभा भी चली जाती थी और प्रतिभा के साथ साथ यहाँ का पैसा भी चला जाता था, जो वहाँ पढ़ता था फिर उधर ही काम करना, उन्हीं देशों को शीर्ष पर पहुँचाने का जिम्मा उस पर हो जाता था। तो अभी एक बात अच्छी ये हो गई कि ये बच्चा अब जाना नहीं चाहता, हम पर लगातार दबाव आ रहा है कि हम दोबारा जो है जेईई की परीक्षा करवाएं, साहब हम अपना भविष्य देश के शीर्ष संस्थानों में तलाशना चाहते हैं, हम विदेश में नहीं जाना चाहते हैं। तो हम इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जो छात्र दुनिया के देशों में पढ़ने के लिए जाता था, बाहर जाता था, अब वो अपने देश में पढ़ाई करेगा, और ऐसी स्थिति में हमारे जो शीर्ष संस्थान हैं चाहे वो प्राइवेट में हैं और चाहे वो सरकारी में हैं, उनकी क्षमता को और कैसे आगे बढ़ाना है और उसके लिए यदि निवेश की और अधिक बाहर ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी करेंगे, हम लोग उस दिशा में लगातार विचार कर रहे हैं। थैंक यू। आप हम पंजाब पंजाब के एडिटर हैं अमित शर्मा जी। अमित जी सिर्फ एक सवाल पूछेगा जी। आवाज पहुंच रही है जी? हाँ बताइए अमित जी। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार नमस्कार। मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन में, जब एक ही है तो मैं ये पूछूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार और लगातार जिसको कहते हैं हर बार जब भी वो संवाद करते हैं पब्लिक से या मीडिया से तो एक ही बात पे जोर है उनका कि मैं बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करूंगा। एक लाइन वो बड़ी क्लियर बोलते हैं कि जब तक कोई भी गाइडलाइंस आ जाए कुछ भी आ जाए, जब तक कोरोना की उनका कहना कि दवाई नहीं आ जाती या वैक्सीन नहीं आती मैं पंजाब में स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दूंगा। तो इसे पहला मेरा सवाल यह था कि इसे लेकर क्या केंद्र सरकार की या आपकी कुछ आप इस उनके मत से सहमत हैं, और उनका कहना है कि अधिकतर अभिभावक भी जो पेरेंट्स भी हैं वो भी इसी मत को रखते हैं। दूसरा इसी से जुड़ा छोटा सा पॉइंट है कि स्कूलों की लॉकडाउन की फीस को लेकर हर राज्य ने अलग अलग अपने निर्देश दिए, तो पंजाब में भी ये मामला हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक दिन ये भी कहा कि अगर इस पे केंद्र सरकार से एक गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी होगी क्या लॉकडाउन में फीस ली जा सकती है या नहीं, तो शायद ये सब स्कूलों में और सब राज्यों को एक रूपता लाने में आसानी रहेगी। तो इन दोनों पे आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपने कैप्टन साहब को ये ज़रूर पूछना था कि उस एक आदमी को तो बता दें जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। आप मेरी ओर से पूछ लीजिएगा यदि वो ऐसा बयान देते हैं, कौन आदमी चाहेगा ऐसा? कौन आदमी देश का दुनिया का कौन आदमी ऐसा चाहेगा जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की बात करता है, सोचता भी है? तो ये विषय तो अलग है। हम तो उनसे पहले तो हम बैठ करके यहाँ कह रहे हैं कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता अपने बच्चे की सुरक्षा है। बच्चा हमारी निधि है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, उस बच्चे पर हम उसी बच्चे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो सुरक्षित रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तभी उसकी शिक्षा होगी। तो इसमें तो दोहरा कहाँ है? तो यदि वो कहते हैं तो कोई अलग बात नहीं कहते हैं, और मैं ऐसा कहता हूँ और दूसरा ऐसा कहता नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सभी लोग इसी बात को कहते हैं, नहीं बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही है। जहाँ तक आपने कहा है कि जब स्कूल खोलने का विषय होगा, तो जब स्कूल खोलने का विषय होगा तो ये जो शिक्षा है वो राज्य सरकारों का विषय है, उन्हीं के साथ परामर्श करके। अभी देखिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं लगातार, और छोटी छोटी बात से लेकर के बड़ी बात तक बांटते हैं वो, और लगातार परामर्श करने के बाद और फिर निर्णय लेते हैं। तो छोटी बात है क्या? आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया?
हमारे हमको भी उनका आदेश होता है, सब अभिभावकों को बात करते हैं, सारे शिक्षा मंत्रियों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, विश्वविद्यालयों से बात करते हैं, डिग्री कॉलेजों से बात करते हैं, अध्यापकों से बात करते हैं। तो जब भी खोला जाएगा स्कूल कहीं भी, एक तो उस प्रदेश से परामर्श होगा, गृह मंत्रालय का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा, उनका मार्गदर्शन होगा, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश हैं उनका पालन होगा। तो हम कोई रिस्क क्यों लेना चाहेंगे बच्चे के बारे में, और उसका अभिभावक जैसा चाहेगा, लेकिन इसके लिए तय करना, समय को तय करना, राज्यों से परामर्श करना और भविष्य में परिस्थिति के अनुरूप आगे कदम बढ़ाना, ये उसी के पर बात होगी। नंबर दो, दूसरी फीस की आपने बात की है, तो ये भी राज्यों का विषय है ना, ये राज्यों का विषय है। तो सरकार जहाँ वेतन दे रही, जो सरकारी स्कूल हैं उनका तो कोई विषय ही नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो राज्य सरकारों के परामर्श से उनकी प्रबंधन समिति, अभिभावक और सरकार ये परामर्श करके आगे क्या निर्णय लेना चाहेंगे वो उनका विषय है, क्योंकि वो जो प्राइवेट संस्थान है वो इस बात को कहेंगे भाई अध्यापक को मैंने वेतन देना है तो कहाँ से दूंगा और कैसे दूंगा। तो ये राज्य सरकार थोड़ा सा आपस में परामर्श करके क्या हो सकता है और क्या संभावनाएं होंगे, ये राज्यों का अपना विषय है। धन्यवाद जी। हिमालयी राज्य की ओर एक चलते हैं, एक छोटा राज्य और है, हिमाचल प्रदेश। नवनीत जी, सादर प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, पूरा आप दिखाई भी दे रहे हो और आवाज भी आ रही है। जी जी जी, बताएं नवनीत जी। थैंक यू सर। जी जी सर, ये था कि हमें खुशी है कि एक साहित्यकार और गीतकार के हाथ में देश की शिक्षा का जिम्मा है, पर सर मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्कीम का कपिल सिब्बल साहब इस देश को दे के गए थे, उसकी अपनी कई उसके फीचर्स हैं। सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि छात्र को आप ना हाथ लगाएंगे ना उसको फेल करेंगे। सर, क्या वाकई उससे सतत और समग्र मूल्यांकन हम देश की भावी पीढ़ी का कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर इस योजना को अब तक क्यों रखा गया है सर, ये एक बड़ी जिज्ञासा थी। और नंबर दो सर ये है कि हिमाचल प्रदेश का, अभी आपने IIT का जिक्र किया, IIT का जन्म जिस महीने में हुआ उसी महीने में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जन्म हुआ सर, लेकिन IIT तो विश्व स्तर पे आ गया लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश अभी भी 3 ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बीच में बंटा हुआ है, उधार की इसकी छत है सर और उधार की इसकी जमीन है सर, उसका कल्याण कर, बस ये दो प्रश्न। आपके पहला विषय तो ये था कि सिब्बल साहब जिस चीज़ को दे करके गए हैं उसकी सार्थकता और देश के नौनिहालों के भविष्य के लिए वो कितनी उचित है, ये तो आप सभी जानते हैं, आप सब पत्रकार लोग हैं, संपादक हैं, मुझे लगता है कि सभी बहुत ही वरिष्ठ और चिंतक है, लंबे समय से हर चीज़ का मूल्यांकन करने की ताकत आप में है, और आपने देखा है कभी भी जब तक समीक्षा नहीं होती, मूल्यांकन नहीं होता, तब तक उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा ये किसी को भी जवाब मिल सकता है कि क्या सही होगा, अंत तो गत्वा मूल्यांकन तो करना ही होता, हम अपने मूल्यांकन करते हैं, एक शब्द बोलते हैं स्वतः मूल्यांकन करेंगे, लेकिन स्वतः मूल्यांकन कितने लोग कर पाते हैं? तो स्वतः मूल्यांकन जो नहीं करते हैं और अपने काम का नहीं वो करते हैं, तो लोग तो एक ही हैं लेकिन एक आदमी शिखर पर पहुंच जाता है और एक आदमी रोता रहता है, क्योंकि वो आदमी अनुशासन की सीमा में रहते हुए अपना मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, विपरीत और विषम परिस्थितियों में उसमें जूझने का मादा होता है, और एक जो अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता है और समय की परिस्थितियों पर कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो कहाँ खड़ा रहता है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज भी हम लोग, मैं तो बेसिक स्कूल से पढ़ा हूँ, पहाड़ से आप समझ सकते हैं कि
8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर पैदल आना, बड़ी मुश्किल से हम हाई स्कूल किया हम लोगों ने वहाँ से, और घनघोर जंगलों के बीच, और रोज़ रीच और बाघ तो सामने पड़ते थे, और गुट्टे गुट्टे बर्फ का बर्फ रहता था, तो इन विषम परिस्थितियों में रहता। लेकिन आज भी यदि कक्षा 5 की जो परीक्षा हुई, आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर छाई रहती वो बात कि कैसे तैयारी करते थे, कैसे वहाँ गए, कैसे परीक्षा दी, और कितने दिन पहले से तैयारी कर रहे थे। जब 8वीं की परीक्षा दी तो भी वो याद रहता है, जब 10वीं की परीक्षा दी तो भी याद रहता है। परीक्षा का मतलब जब आपने दिया तो आपका मूल्यांकन का एक अवसर है। अब पढ़ाते चले जाओ, बच्चों को भी पता फेल तो होना नहीं है, और आप कक्षाएं ऐसी कर दी कि आप किसी को हिला भी नहीं सकते, तो आपने कह दिया बच्चों को भी पता है नहीं 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 आ रहा है, आ रहा है कोई बात नहीं, आप उसको बढ़ा दीजिए और पास कर दीजिए। 10वीं तक आते आते उसकी पीढ़ी, वो जो जिस स्थान पर आकर के खड़ा है और जो उसका मूल्यांकन होता है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसकी भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, और इसलिए ये तो निर्णय पीछे में हुआ है कि नहीं मूल्यांकन ज़रूर होगा, और आगे नई शिक्षा नीति में भी मूल्यांकन का प्राविधान है कि निश्चित रूप में छात्र का, किसी का भी मूल्यांकन होना चाहिए छात्र, क्यों हम लोग अलग अलग विधाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग करके मूल्यांकन करने की लाइन अलग हैं और दिशाएं अलग हैं, लेकिन मूल्यांकन सभी स्थानों पर होता ही है और होना ही चाहिए। जो दूसरा आपने कहा है कि हिमाचल में IIT ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित किया है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी ना उसकी अपनी छत है ना अपनी ज़मीन है, तो जिस दिन ज़मीन हो जाएगी उस दिन छत तो हम बना लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल, उसका भी मैं लगातार समीक्षा करता रहता हूँ, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल भी अपने दौड़ में दौड़ रहा है। मुझे भरोसा है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और जहाँ तक अवस्थापनाओं का है, यदि वहाँ ज़मीन की उपलब्धता हो जाएगी तो उसमें भवन निर्माण की बात जल्दी से जल्दी हो जाएगी। जी सर, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन हम दो सवाल लेंगे। एक बिहार से, जहाँ आप महीने में चुनाव में आप लोग लड़ने वाले हैं, और एक मध्य प्रदेश से, दोनों एक एक सवाल सवाल पूछेंगे। जी जी जी, पहला सवाल फारूक जी, सर छोटा सा सवाल बिहार की पटना विश्वविद्यालय सातवां सबसे तो केंद्रीय की मांग लग आपका बीच में आपकी आवाज कट गई, बात नहीं आई। पटना विश्वविद्यालय देश का सातवां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग काफी समय से लंबित है, क्या इस पर कोई विचार हो रहा है? अभी तो बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और मुझे लगता है कि बिहार तो शिक्षा का शीर्ष रहा है, तो अभी तो दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को और मजबूत बनाने में हम जुटे हैं। उसकी मजबूती जब पूरी हो जाएगी तो भविष्य में इस पर विचार कब होगा इसको आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश से आशीष जी, सर नमस्कार, मेरा सवाल मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर से लेके है। गेहूं और सोयाबीन हमारी पहचान से जुड़े हैं, और करीब 70-75% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। सर लगातार 5-6 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मध्य प्रदेश जीत रहा है। इस पृष्ठभूमि से जुड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में अभी खाद्य प्रसंस्करण भंडारण से लेके मृदा परीक्षण और प्रयोग रिसर्च जैसे मसले काफी लंबित रहते हैं, तो क्या भविष्य में हम किसी ऐसे संस्थान की यहाँ उपलब्धता या उपयोगिता महसूस कर सकते हैं ताकि कृषि को हम नए आयाम पे पहुंचा सकें, जैसे कि इंदौर में IIM और IIT एक साथ केंद्र ने दी है, तो ये आवश्यकता भी है, ये सवाल भी है सर, और ये सुझाव भी है। आपने क्योंकि आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और
ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से ही हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं और जिनका बहुत गहन अध्ययन है, जमीनी जुड़ाव है, वो प्रखर हैं, बहुत ही मेहनती हैं और उनके नेतृत्व में बहुत सारा काम इस देश के अंदर हो रहा है। तो ये जो कृषि के क्षेत्र में जो बहुत सारा काम होना है और जो आपने चीज़ों को कहा है, तो मैं आपकी चिंता से उनको भी अवगत कराऊंगा। लेकिन आपको इस बात की खुशी होगी कि जिस शोध और अनुसंधान की आपने बात की है, आज हम स्पार्क के तहत दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के माध्यम से अंतर विषयी, जिसमें आपका कृषि भी होगा तो ये दूसरा विषय भी होगा, तो इनके जो स्ट्राइड अंतर विषयी शोध बहुत तेजी से कर रहे हैं। हम इम्प्रिंट हो चाहे इम्प्रेस हो चाहे स्टार्स हो, और अब तो नए नए जो ज्ञान ज्ञान प्लस के आधार पर कर रहे हैं, जो बाहर से भी लोग इधर आएंगे और यहाँ से भी लोग बाहर जाएंगे, और NRF के माध्यम से जो नया अनुसंधान के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं का भी समाधान होगा और निश्चित रूप में हमारे इन चीज़ों में भी हमारे IITs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो ये अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे ICER भी इस दिशा में जुटे हुए हैं। तो मुझे भरोसा है कि जो आपकी चिंता है, निकट भविष्य में आपकी चिंता को हम दूर कर पाएंगे। जी धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बहुत सारे सवाल के जवाब आए, कई सवाल ऐसे हैं जिसमें बहुत जिज्ञासा बनी हुई है, जिसको फिर कभी चर्चा होगी तो हम लोग बात करेंगे। जी जरूर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अभिवादन और आप सबको नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।